Yes, dear student, today is the lecture number 3 and the topic is the male reproductive system of cockroach. We know that cockroaches are dioecious, means that both male and female cockroaches have well-developed reproductive organs. So today topic is the male reproductive system of the काकरोच. ये काकरोच का बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है. ज़रा इसमें आप बहुत ध्यान से डायग्राम को देखिएगा और डायग्राम से ही आपको आज सबसे आसान टॉपिक लगने वाला है. ओके, नाउ देखिए कितना आसान है. बात करता हूँ, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पेरीप्लेनेटा इज कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, a pair of testes and second a pair of vas differentia and is a collatery duct. Number third, and is a collatory duct. Then number four, a pair of seminal vesicle and a mushroom gland. Number fifth, a characteristics mushroom gland. Number sixth, a phallic gland. Clear? हम लोगों ने देखा कि जो male reproductive system है a pair of testes का बना हुआ है, a pair of vas deferens का differentia का बना हुआ है and is a collatory duct है, a pair of seminal vesicle है, मशरूम ग्लैंड है एंड देन अ फैलिक ग्लैंड है. दीज मशरूम एंड फैलिक ग्लैंड आर नोन एज एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड. लेट्स सी, इन केस ऑफ मेल काकरोच में एक पेयर ओवरी जो है, अ पेयर ऑफ ओवरी इज ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर. देखिए इज अ ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर, जैसा दिख रहा है वैसे देखिए. अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज अ ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट मिड लैटरली. कैसी प्रेजेंट है? मिड लैटरली. कहाँ पर प्रेजेंट है? फ्रॉम फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट. आपने देखा नीट के लिए आपको सबसे पहला क्वेश्चन मिला कि व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ट्राइलोब टेस्टिस इन केस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ काकरोच. द आंसर इज ट्राइलोब टेस्टिस इज प्रेजेंट फ्रॉम 4 to 6 सेगमेंट ऑफ द एब्डोमेन. क्लियर बात हुई? मैंने क्या बताया? अ पेयर ऑफ टेस्टिस ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट में डार्सो लैटरली. कहाँ पर? फ्रॉम 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट. नाउ दीज टेस्टिस आर वेल डेवलप्ड एंड एलोबरेट इन केस ऑफ यंग काकरोच एंड दे आर फुल ऑफ स्पर्म. स्पर्म से भरी रहती हैं और वेल एलोबरेट होती हैं, वेल डेवलप होती हैं यंग काकरोच में. लेकिन जो ओल्ड एडल्ट है उसमें ये टेस्टिस नॉन फंक्शनल हो जाती हैं बच्चों, आर यू कैन से रिड्यूस्ड इन साइज हो जाती हैं. बट स्पर्म मे बी प्रेजेंट इन सम, लेकिन थोड़े बहुत स्पर्म प्रेजेंट रहते हैं एडल्ट ओल्ड एडल्ट काकरोच में भी. क्लियर बात है? तो आपने देखा कि जो टेस्टिस है, एक पेयर टेस्टिस है, ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर है, डार्सो लैटरली पोजीशन में है. देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहे हैं. डार्सो लैटरल पोजीशन में है, ट्राइलोब्ड है, 4 to 6
एब्डोमिनल सेगमेंट में है, क्लियर हुआ, और फुल एंड दे आर फुल ऑफ, किससे फुल है, स्पर्म से, क्लियर हुआ। तो दिस इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस, इज क्लियर। आपको इम्पोर्टेंट नीट का क्वेश्चन क्या मिला, इसकी पोजीशन ट्राइलोब्ड, एक कंडीशन कि ट्राइलोब्ड होती है स्ट्रक्चरली, और दूसरा एब्डोमिनल सेगमेंट नंबर 4 to 6 तक एक्सटेंड करती हैं, क्लियर बात हो गई। मैंने यहाँ लिख दिए सेगमेंट नंबर, दिस इज द एब्डोमिनल पोजीशन, ठीक। आगे चलते हैं, बात करते हैं अ पेयर ऑफ वासा डिफरेंस, अ पेयर ऑफ वास डिफरेंस, जो आप ब्लैक कलर से देख रहे हैं, एक्चुअली इट इज़ अ वाइट इन कलर, होती कैसी है, वाइट इन कलर। हालांकि टेस्टिस भी अगर देखा जाए तो एम्बेडेड रहती हैं फैट में, जो फैट के मास होता है उसमें एम्बेडेड रहती हैं टेस्टिस। लेकिन अब देखिए ज़रा, फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ द टेस्टिस, यहीं से शुरुआत करिए, फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ द टेस्टिस अ थिन वाइट कलर्ड वास डिफरेंस इज रन बैकवर्ड, कहाँ जाती हैं, बैकवर्ड इन द एब्डोमेन, बैकवर्ड इन द एब्डोमेन एंड देन टर्न और यू कैन से बैंड फॉरवर्ड एंड ओपन इनटू द इजेकुलेटरी डक्ट। फिर से देखिए, अ पेयर ऑफ वास डिफरेंस नाउ फ्रॉम पोस्टीरियर एंड ऑफ टेस्टिस अ थिन वाइट ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर रन बैकवर्ड कहाँ पर, इन द पोस्टीरियर एंड ऑफ एब्डोमेन, पोस्टीरियर एंड ऑफ एब्डोमेन एंड देन बैंड फॉरवर्ड एंड ओपन इनटू द इजेकुलेटरी डक्ट, क्लियर हुआ। बात करते हैं अब इजेकुलेटरी डक्ट की, देखिए बच्चों, इजेकुलेटरी डक्ट, एन इजेकुलेटरी डक्ट इज अ वाइड इलॉन्गेटेड ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर विच रन इनटू द एब्डोमेन एंड ओपन आउट बाय फीमेल गोनोपोर विच इज वेंट्रल टू एनस। फिर से देखिए, इलॉन्गेटेड वाइड ट्यूब्यूल रन इन द एब्डोमेन एंड ओपन टू आउटसाइड बाई फीमेल गोनोपोर और उसकी पोजिशन क्या है, वेंट्रल टू एनस। इन द प्रीवियस लेक्चर वैन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सटर्नल आर यू कैन से मॉर्फोलॉजी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दैट द मेल जेनिटल पाउच इज कंसिस्ट ऑफ 9th एंड 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय द 9th स्टर्नम एंड विद इन द मेल जेनिटल पाउच द डॉर्सली प्लेस्ड एनस एंड वेंट्रली प्लेस्ड मेल जेनिटल मेल गोनोपोर। नाउ सो इन केस ऑफ सेम हियर द मेल गोनोपोर दिस कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट विथ इजेकुलेटरी डक्ट इज अ वाइड ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर इज ओपन आउट by the male gonopore which is ventral to anus. So now this is all about the ejaculatory duct. Let's move to a pair of seminal vesicle. Now bachon, a pair of seminal vesicle is just for storage of sperm. It also glued the sperm together and they form the bundle and these bundles are known as spermatophore. क्या कहलाते हैं, spermatophore. फिर से सुनिए मेरी बात, a pair of seminal vesicle which is act for the main function of it storage of sperm, जो किसको कर रही है, sperm को store कर रही है। दूसरा काम क्या कर रही है, they glued together
ये स्पर्म को एक बंडल की फॉर्म में ग्लू कर दे रही है एंड दीज बंडल्स आर नोन एज स्पर्मेटोफोर्स। क्या कहलाते हैं? स्पर्मेटोफोर्स। चलिए अब बात करते हैं एक मशरूम ग्लैंड्स की। थोड़ा सा मुझे बोर्ड यहाँ से हटाना पड़ेगा। देखिए ज़रा बच्चों, इन केस ऑफ काकरोच द करेक्टरिस्टिक्स एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इज प्रेजेंट इज कॉल्ड मशरूम ग्लैंड और यू कैन से यूट्रिकुलर ग्लैंड। इसका दूसरा नाम भी बच्चों होता है यूट्रिकुलर ग्लैंड। क्या नाम होता है? UTRICULAR यूट्रिकुलर ग्लैंड। ओके, नाउ दिस इज द ग्रीन पोर्शन इज नोन एज मशरूम ग्लैंड। नाउ इन दिस यूट्रिकुलर ग्लैंड आर यू कैन से मशरूम ग्लैंड इट इज सिचुएटेड। वेयर इट इज सिचुएटेड? एट द जंक्शन ऑफ वास डिफरेंसिया एंड इजेकुलेटरी डक्ट। एट द जंक्शन ऑफ वास डिफरेंसिया विद इजेकुलेटरी डक्ट। आपने पोजिशन देखी, मैंने मशरूम ग्लैंड यानी मतलब यूट्रिकुलर ग्लैंड की मैंने क्या पोजीशन बताई कि यूट्रिकुलर ग्लैंड इज अ एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। इट इज़ अ लार्ज एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड विच इज सिचुएटेड। कहाँ पर सिचुएटेड है? एट द जंक्शन ऑफ वास डिफरेंसिया विद इजेकुलेटरी डक्ट। उस जंक्शन में बच्चों प्रेजेंट है ये फैलिक ग्लैंड, ए मशरूम ग्लैंड आर यू कैन से यूट्रिकुलर ग्लैंड। अब इस ग्लैंड की ज़रा देखिएगा। इन दिस ग्लैंड इट हैज़ थ्री टाइप ऑफ ट्यूब्यूल्स। दीज आर दी पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स विच आर लार्ज। दीज आर दी पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स विच आर लार्ज एंड दीज पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स आर नोन एज यूट्रिकुली मेजोर्स। क्या कहलाते हैं? मेजर माने बड़ा होता है, यूट्रिकुली मेजोर्स। नाउ देयर आर इन द सेंटर सम स्मॉल साइज ट्यूब्यूल्स एंड दीज स्मॉल साइज ट्यूब्यूल्स विच आर रेड इन कलर इन दिस डायग्राम दे आर नोन एज यूट्रिकुली ब्रीबियोर्स। क्या कहलाते हैं? ये यूट्रिकुली ब्रीबियोर्स कहलाते हैं और मेजर वाले क्या कहलाते हैं? यूट्रिकुली मेजोर्स। तो यूट्रिकुली मेजोर्स एंड यूट्रिकुली ब्रीबियोर्स क्या कहलाती हैं? दीज आर दी ट्यूब्यूल्स और जस्ट बिहाइंड द ये जो छोटे वाले ट्यूब्यूल्स हैं इनके पीछे भी कुछ ट्यूब्यूल्स हैं वो दीज ट्यूब्यूल्स आर मोर बल्बस। कैसे हैं? बहुत ज़्यादा बल्बस हैं। और ये बल्बस होके बनाते क्या हैं बच्चों? सेमिनल वेसिकल्स। क्या बनाते हैं? सेमिनल वेसिकल्स। कौन से ट्यूब्यूल्स? जो सेंट्रल में स्मॉलेस्ट ब्रीवियोर्स हैं, यूट्रिकुली ब्रीवियोर्स हैं, स्मॉलेस्ट ट्यूब्यूल्स हैं इस मशरूम ग्लैंड के या यूट्रिकुलर ग्लैंड के, उसके पीछे की ओर सेंट्रल के ठीक पीछे की ओर एक बहुत छोटे छोटे तो लोब्यूल हैं लेकिन वो बल्बस हैं। कैसे हैं? फूले हुए हैं बहुत ज़्यादा। मैंने ब्लैक कलर से दिखाने की कोशिश की है एंड दे फॉर्म द सेमिनल वेसिकल। वही सेमिनल वेसिकल जो स्पर्म को क्या करेगी बच्चों? स्टोर करेगी और स्पर्म्स को आपस में ग्लूड कर देगी ताकि वो बंडल में बन जाएं और उन बंडल्स को कह देते हैं स्पर्मेटोफोर्स। मैंने अभी बताया था क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफोर्स। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, बात करते हैं एक और ग्लैंड की जिसको कह दे रहे हैं आप फैलिक ग्लैंड एंड दिस फैलिक ग्लैंड इज क्लब शेप्ड ग्लैंड। कैसी है? क्लब शेप्ड ग्लैंड है, ठीक है। नाउ दिस क्लब शेप्ड ग्लैंड इज सिचुएटेड। कहाँ पे सिचुएटेड है बच्चों? मशरूम ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड है? इन द एब्डोमिनल सेगमेंट नंबर 6 एंड 7। जो एब्डोमिन का 6 एंड 7 सेगमेंट है वहाँ पर पाई जाती है ये फैलिक ग्लैंड। और आप दूसरी जो देख रहे थे अभी यूट्रिकुली मेजोर एंड यूट्रिकुली ब्रीवोर्स विच फॉर्म द यूट्रिकुलर ग्लैंड आर यू कैन से मशरूम ग्लैंड आर यू कैन से फैलिक ग्लैंड। तो जो फैलिक ग्लैंड है
वो कैसी है? इट इज़ क्लब शेप्ड. कैसी है? क्लब शेप्ड है. एंटीरियर एंड इसका सिस्ट सेगमेंट में है, पोस्टीरियर एंड समवॉट इन द सेवेंथ सेगमेंट. कहाँ पर है बच्चों? सेवेंथ सेगमेंट में. बच्चों ये जो फालिक ग्लैंड है ये पोस्टीरियरली तो नैरो हो जाती है, ट्यूब की फॉर्म में हो जाती है, और लेफ्ट फैलोमेयर से ट्रांसवर्स होकर, लेफ्ट फैलोमेयर से ट्रांसवर्स होकर गोनोपोर के पास अपनी सेपरेट ओपनिंग से बाहर खुलती है. मैंने क्या कहा? फैलिक ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड की पोजीशन क्या है? एब्डोमिनल सेगमेंट नंबर 6 और 7. कैसी है? क्लब शेप्ड है. इसका एंटीरियर पार्ट कैसा है? ब्रॉड है. कैसा है? ब्रॉड है. पोस्टीरियर पार्ट कैसा होगा? नैरो होगा. किससे ट्रांसवर्स करेगा? लेफ्ट फैलोमेयर से. और किस अपर्चर से खुलेगा? बाय अ सेपरेट अपर्चर नियर द मेल गोनोपोर. बाय अ सेपरेट अपर्चर नियर द मेल गोनोपोर. मेरी बातों पे ध्यान दीजिए ज़रा. बाय अ सेपरेट अपर्चर नियर द पोर गोनोपोर. जो गोनोपोर है, जो मेल गोनोपोर है, जो कि वेंट्रल टू एनस था, ठीक उसके पास में एक अपर्चर होगा. उस अपर्चर से खुलेंगी ये फैलिक ग्लैंड, और ये फैलिक ग्लैंड ट्रांसवर्स किससे होंगी? लेफ्ट फैलोमेयर से. क्लियर बात हो गई आपको? समझ में आया? मैंने अभी तक आपके लिए नीट के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट बताया ज़रा देखिए ध्यान से. मैंने बताया कि इन केस ऑफ दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज अ ट्राई लोब्ड स्ट्रक्चर विच इज डार्सो लैटरली प्लेस्ड इन बिटवीन द 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट. फर्स्ट थिंग. नाउ सेकेंड वन, अ पेयर ऑफ वासा डिफरेंसिया अ थिन वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कम्स फ्राम पोस्टीरियर एंड ऑफ द टेस्टिस एंड दे रन डाउनवर्ड्स, दे रन डाउनवर्ड्स टू द एंड ऑफ द एब्डोमिन एंड देन बेंड फॉरवर्ड एंड ओपन एट द सेंटर, आर यू कैन से मीडियम मीडियल एंड ओपन मीडियली नियर द इजेकुलेटरी डक्ट. क्लियर हुआ? नाउ एंड इजेकुलेटरी डक्ट इज अ वाइड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच बैकवर्डली रन इन टू द एब्डोमिन एंड ओपन बाई द ओपन टू आउटसाइड बाई द मेल जेनिटल पोर विच इज वेंट्रल टू एनस, विच इज वेंट्रल टू एनस. यस, दिस इज द इजेकुलेटरी डक्ट. नाउ देयर इज अ ग्लैंड विच इज कॉल्ड यूट्रिकुलर ग्लैंड, और यू कैन से मशरूम ग्लैंड, and it has 3 type of tubules. The peripheral tubules are large in size, and these peripheral tubules are known as utricularly major, utricularly major, and the centrally short tubules which are red in color in this diagram, they are known as utricularly brevior's, utricularly brevior's. Then just behind the utricularly brevior's there are some small tubules which are more bulbous and they form the seminal vesicles. क्या बनाती हैं बच्चों? Seminal vesicles. और seminal vesicles क्या करती हैं? Vesicles. Seminal vesicles करती हैं storage of sperm. किसको store करती हैं बच्चों? Sperm को store करती हैं. और क्या करती हैं? Sperm को आपस में glued कर देती हैं, जोड़ देती हैं bundle की form में. और उस bundle को मैंने आपको क्या बताया था? Spermatophores. क्या बताया था? Spermatophores. ठीक है, PHORES, Spermatophores. आगे चलिए, बात करता हूँ दोबारा से मशरूम ग्लैंड की. द करेक्टरिस्टिक ग्लैंड इज द मशरूम ग्लैंड. पोजिशन इज 6-7 एब्डोमिनल सेगमेंट. नाउ दिस मशरूम ग्लैंड विच इज नोन एज एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, इट हैज 3 टाइप ऑफ ट्रिब्यूल्स. दीज आर ग्लैंडुलर ट्रिब्यूल्स, दीज आर ग्लैंडुलर ट्रिब्यूल्स. और कितने तरीके के बच्चों हैं? 3 तरह के हैं. पहला, जो पेरिफेरी में बड़े वाले हैं उनको मेजियोर्स नाम दे दिया, बड़े हैं तो मेजियोर बोल दिया. सेंटर में छोटे हैं, ब्रिव्योर्स बोल दिया. सेंटर के पीछे क्या है? थोड़े बल्बस हैं, उन्होंने क्या बना दिया? सेमिनल वेसिकल बना दी. तो दिस इज ऑल अबाउट द मशरूम ग्लैंड. नाउ दिस इज द क्लब शेप्ड फैलिक ग्लैंड.
जिसका एंटीरियर एंड कैसा है बच्चों, ब्रॉड है। जिसका पोस्टीरियर एंड कैसा होगा बच्चों, नैरो, टैपर ट्यूब में होगा। और टैपर ट्यूब कहाँ से ट्रांसवर्स होगी, लेफ्ट फैलोमियर से, लेफ्ट फैलोमियर से। और लेफ्ट फैलोमियर से ट्रांसवर्स होकर कहाँ ओपन होगी, बाय ए सेपरेट अपर्चर। और वो सेपरेट अपर्चर किसके पास होगा, नियर द मेल गोनोपोर, नियर द मेल गोनोपोर मीन्स वेंट्रल टू एनस, जो गोनोपोर है उसके पास एक सेपरेट अपर्चर बनाकर ये ओपन होगी, कौन, फैलिक ग्लैंड। देखा आपने। बात करते हैं काकरोच में एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, किसकी बात करते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। और यहाँ पर बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन केस ऑफ काकरोच देयर आर सम क्यूटिकुलर, देयर आर सम क्यूटिकुलर एसिमेट्रिकल, कोई सिमेट्री नहीं है, देयर आर सम क्यूटिकुलर एसिमेट्रिकल अपेंडिसेस आर फॉर्म विच फॉर्म द एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड दे आर थ्री। नंबर वन, लेफ्ट फैलोमेयर फ्रॉम वेयर द नैरो पोस्टीरियर टैपर एंड पास थ्रू द लेफ्ट फैलोमेयर एंड ओपन सेपरेटली नियर द फीमेल, नियर द मेल गोनोपोर। नाउ लेफ्ट फैलोमेयर, राइट फैलोमेयर एंड वेंट्रो फैलोमेयर, वेंट्रल फैलोमेयर, राइट फैलोमेयर, लेफ्ट फैलोमेयर, दीज थ्री एसिमेट्रिकल क्यूटिकुलर, राइट फैलोमेयर, वेंट्रल फैलोमेयर, लेफ्ट फैलोमेयर्स, दीज थ्री, राइट, लेफ्ट फैलोमेयर्स एंड वेंट्रल फैलोमेयर्स, दीज थ्री क्यूटिकुलर एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन द मेल काकरोच, इन द मेल काकरोच। तो आपने देखा यहाँ पर कि जो ये फेलोमेयर्स हैं, राइट वाला, लेफ्ट वाला और वेंट्रल वाला, ये तीनों कैसे हैं, क्यूटिकुलर हैं, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हैं। और तीनों मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, क्या एक्सटर्नल जेनिटेलिया, क्या बनाते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तीनों मिलकर एक्सटर्नल जेनिटेलिया बना देते हैं काकरोच का, मेल काकरोच का, लेफ्ट फैलोमेयर, राइट फैलोमेयर एंड वेंट्रल फैलोमेयर्स हैं क्या, थ्री क्यूटिकुलर एसिमेट्रिकल। मेरी इन्हीं बातों पे ध्यान दीजिएगा, यही एनसीईआरटी की कीवर्ड्स है। क्लियर हुआ। नाउ देयर आर टू वर्ड्स, स्यूडोपेनिस एंड टाइटिलेटर्स, लिसन टू मी केयरफुली, Why we use the word pseudopenis? Pseudo means false. Pseudo means false. तो यहाँ पर क्यों false करें? Because this organ, this part is superficially look like the penis, but on the basis of their developmental pattern, they are differ. That's why here we use the pseudopenis. And they are black hammer-like structure. These are black hammer-like structure. Now, one of the lobe which bears a tentacle, a sharp pointed edge, these are known as titillators. क्या कहलाते हैं? Titillators. क्या कहलाते हैं बच्चों? Titillators कहलाते हैं. तो आपने देखा कि जो फेलोमेयर्स हैं उसमें आपको pseudopenis, टाइटिलेटर्स देखने को मिल गए, कॉडल स्टाइल भी देखने को मिल रहा है। कॉडल स्टाइल यानी मतलब एनल स्टाइल है। तो आप किसकी स्टडी कर रहे हैं? मेल काकरोच की, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। और आज आपने देखा कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द काकरोच इज कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस विच इज ट्राई लोब्ड स्ट्रक्चर फुल ऑफ स्पर्म, ट्राई लोब्ड स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द फैट बॉडीज एंड एक्सटेंड 4 to 6 सेगमेंट ऑफ द एब्डोमेन। फर्स्ट क्वेश्चन नीट। सेकेंड, अ पेयर ऑफ वास्ट डिफरेंस रन बैकवर्डली टू द एंड ऑफ द एब्डोमेन एंड देन टर्न फॉरवर्ड, बेंड फॉरवर्ड एंड ओपन एट द सेंट्रल, कहाँ पर, नियर द इजेकुलेटरी डक्ट। क्लियर हुआ। नाउ अ इजेकुलेटरी डक्ट इज अ वाइड ट्यूब, इजेकुलेटरी डक्ट इज अ वाइड ट्यूब,
एक वाइड ट्यूब है जो कहाँ रन हो रही, बैकवर्डली इनटू द एब्डोमेन, एंड कहाँ ओपन हो रही है, ओपन टू आउटसाइड बाय द मेल गोनोपोर, जो कि क्या है, वेंट्रल टू एनस, वेंट्रल टू एनस। क्लियर, मेरी बातों पे ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। नाउ यूटिकुलर ग्लैंड आर यू कैन से मशरूम ग्लैंड। क्लियर। नाउ व्हाट इज द पोजिशन ऑफ यूटिकुलर ग्लैंड, सी द डायग्राम। यूटिकुलर ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ वास डिफरेंसिया विद द इजेकुलेटरी डक्ट, एट द जंक्शन ऑफ, यही तो है ग्रीन इन कलर, जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया मशरूम ग्लैंड, तो इसकी पोजीशन क्या है, वेयर इट इज सिचुएटेड, इट इज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ वास डिफरेंसिया, ओपनिंग ऑफ वास डिफरेंसिया विद द इजेकुलेटरी डक्ट। क्लियर हुआ। नाउ इन केस ऑफ दिस एसेसरी द लार्ज एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड दैट इज यूटिकुलर ग्लैंड और मशरूम ग्लैंड एंड द पोजिशन इज 6-7 सेगमेंट, 6-7 एब्डोमिनल सेगमेंट। नाउ इट हैज थ्री टाइप ऑफ द ग्लैंडुलर ट्यूब्यूल्स, थ्री टाइप ऑफ द ग्लैंडुलर ट्यूब्यूल्स। द आउटर मोस्ट पेरिफेरल आर लार्ज इन साइज नोन एज यूटिकुली मेजियोर्स एंड द सेंट्रली आर स्मॉल ग्लैंडुलर ट्यूब्यूल्स कॉल्ड यूटिकुली ब्रिव्योर्स, यूटिकुली ब्रिव्योर्स, एंड देन इज द बिहाइंड द स्मॉल साइज यूटिकुली ब्रिव्योर्स, ब्रिव्योर्स देयर आर सम स्मॉल मोर बल्बस ट्यूब्यूल्स विच कॉन्स्टिट्यूट आर यू कैन से विच फॉर्म द पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल। तो आपने देखा सेमिनल वेसिकल किसकी बनी हुई है, उन ट्यूब्यूल्स की बनी हुई है जो यूटिकुलर सेंट्रल जो हैं, जो सेंट्रल में सब ट्यूब्यूल्स हैं उनके पीछे जो बल्बस ट्यूब्यूल्स हैं। देखिए बल्बस ट्यूब्यूल्स के लिए मैं थोड़ा आपको दिखा सकता हूँ, मैंने बल्बस दिखा दिया है रेड के पीछे, आपको दिखा होगा, थोड़ी बल्बस ट्यूब्यूल्स हैं ये, ब्लैक कलर से मैंने दिखा दिया डायग्राम में, जो बना देती हैं सेमिनल वेसिकल्स। क्या बना देती हैं, सेमिनल वेसिकल्स बना देती हैं। क्या बना देती हैं बच्चों, सेमिनल वेसिकल्स। और सेमिनल वेसिकल्स क्या करती हैं, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। दूसरा काम बच्चों क्या करती हैं, दे ग्लूड टुगेदर द स्पर्म एंड फॉर्म द बंडल, एंड दीज बंडल्स आर नोन एज स्पर्मेटोफोर्स। क्या कहलाते हैं, स्पर्मेटोफोर्स। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि मेल के अंदर जो मेल जेनिटल पाउच या मेल जेनिटल चैम्बर है वो 9 and 10th टर्गा डॉर्सल साइड से बॉन्डेड है और वेंट्रल साइड से बाय द 9th स्टर्नम से बॉन्डेड है। आप देख रहे हैं उसके अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज कंसिस्ट ऑफ थ्री क्यूटिकुलर एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर लाइक लेफ्ट फैलोमेयर, राइट फैलोमेयर एंड वेंट्रल फैलोमेयर। दीज थ्री फैलोमेयर्स join together to form the external genitalia in case of the male cockroach, and this is the caudal style, means that anal style is there because anal style is the morphological character of the male cockroach. You can easily morphologically differentiate between the male and female cockroach because anal style is present, or you can say caudal style is present in case of the male cockroach, but it is absent in the female cockroach. Let's see somewhat about the phallic gland. Bachcho, this is also a accessory gland. It is also known as corn globulate gland. Kya kehlati hai? कॉर्न ग्लोबलेट ग्लैंड, ग्लोबेट ग्लैंड, कॉर्न ग्लोबेट ग्लैंड, इट इज़ आल्सो नोन एज कॉर्न ग्लोबेट ग्लैंड। सुनिए बार बार। और ये फैलिक ग्लैंड है कहाँ पर, ये भी 6-7 सेगमेंट में लाइस कर रही है और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, वो ब्रॉड है, पोस्टीरियर पार्ट नैरो हुआ, टैपर हुआ ट्यूब में, ट्रांसवर्स हुआ लेफ्ट फैलोमेयर से और कहाँ पे आकर खुल गया, नियर द, एक सेपरेट अपर्चर से कहाँ पे आकर खुला, नियर द फीमेल गोनोपोर। तो आपने देखा एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के लिए मशरूम ग्लैंड आर यू कैन से यूटिकुलर ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड इज देयर। आपने देखा पेयर में पाए जाने वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपको टेस्टिस, वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल दिख गए। सिंगल सिंगल में आपको क्या देखने को मिला, आपको एन इजाकुलेटरी डक्ट देखने को मिल गया,
आपको मशरूम ग्लैंड और फैलिक ग्लैंड देखने को मिल गई, जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड थी। क्लियर हो गया बात। जिनकी पोजिशन 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में थी, ये पता लग गया। आपको ये भी पता लग गया कि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो 3 क्यूटिकुलर एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स का बना हुआ है, 3 क्यूटिकुलर एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स का बना हुआ है। एंड दिस 3 आर लेफ्ट फैलोमेयर, राइट फैलोमेयर एंड वेंट्रल फैलोमेयर। क्लियर हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पेरीप्लेनेटा, विच इज कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ वाज डिफरेंस एंड इजेकुलेटरी डक्ट, अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, नाउ मशरूम और यूटिकुलर ग्लैंड एंड फैलिक ग्लैंड। क्लियर हुआ। एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज कंसिस्ट ऑफ 3 क्यूटिकुलर एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स लाइक लेफ्ट फैलोमेयर्स, राइट फैलोमेयर्स एंड वेंट फैलोमेयर्स। दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ काकरोच। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।